कुछ कर गुजरने की चाह हो, दिल में जज्बा हो और एक कुशल मार्गदर्शन, तो कौन सी राह मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा मिली और आईआईटी कानपुर के एक पूर्व छात्र ने अपनी स्टार्टअप कंपनी नोका रोबोटिक्स में पोर्टेबल वेंटिलेटर ही तैयार कर दिया। अब बारी है पीएम मोदी की प्रेरणा से हुई इस इनोवेशन के, देश की जरूरत के हिसाब से ढलने की। तो ये बीड़ा उठाया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ने। बीडीएल को ये मॉडल काफी पसंद आया और उसने नोका रोबोटिक्स के साथ एक एमओयू साइन किया है। देश पर आए कोरोना संकट को देखते हुए बीडीआई बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर का निर्माण करेगी। मेक इन इंडिया के तहत इन पोर्टेबल वेंटिलेटर्स का उत्पादन किया जाएगा। पीएम मोदी के आह्वान पर नोका रोबोटिक्स की मदद से युवा इंजीनियर निखिल कुरेल, हर्षित राठौर और तुषार अग्रवाल ने कोविड 19 रोगियों की जिंदगी बचाने के लिए सस्ता स्वदेशी वेंटिलेटर तैयार किया है। ये स्पेशल वेंटिलेटर गंभीर रोगियों के लिए तो उपयोगी होगा ही, साथ ही इसका डिजाइन और इसकी कुछ खूबियां ऐसी होंगी कि फ्रंट लाइन हेल्प वर्कर्स को वायरस से बचाए रखेंगी। भारत में फिलहाल 75,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत है। यहाँ मौजूद वेंटिलेटर्स की संख्या 19,398 है। सरकार ने 60,884 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया है, जिसमें से सिर्फ 1,000 ही विदेश से आयात किए जाएंगे। बाकी के सभी वेंटिलेटर्स मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार होंगे और इन्हीं का एक हिस्सा बीडीएल भी बनाएगी।